हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल सो गाइस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप खुद को कैसे हाई वाइब्रेशन और हील खुद कर सकते हो सो वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्विन फिल्म डिवाइन जर्नी सो गाइस आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है बिफोर देट आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन सो गाइज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप खुद को कैसे हील कर सकते हो खुद को कैसे हाई वाइब्रेशन पर रख सकते हो सो so गाइज जब भी आपको लगे कि आप लो वाइब्रेशन पर जा रहे हो या आप खुद को मतलब ऐसे सिचुएशन पे देख रहे हो कि दिन भर खुद के ऊपर ही सोचते जा रहे हो गिल्टी फील कर रहे हो शेम फील कर रहे हो बहुत सारा थॉट्स आपके माइंड पे चल रहा है किसी से बात किया तो उसके बारे में ही सोचते जा रहे हो किसी से उम्मीद किया तो उसके बारे में ही सोचते जा रहे हो क्या और क्या कोई क्या सोचेगा ये सब सोच रहे हो देन मैं आप लोगों के यही शेयर करूँगी कि आप खुद को अगर एक ही सिचुएशन पे रख रहे हो डैट मीन्स काम अभी काम कर रहे हो तो अभी काम पे ही जा रहे हो घर पे हो तो घर पे ही रह रहे हो डैट मीन्स आपका माइंड मतलब एक ही जगह पे रह रहे हैं इसीलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स थोड़ा सा एक नया आइडियाज़ नया टेक्निक्स नया कुछ करना है अपने आपके खुद की ज़िंदगी में कुछ नया नया चीज़ ट्राई करना है जिसको आप करते टाइम आप बहुत ही मतलब हैप्पी हो जाओ ऐसा काम मतलब करना है जैसे आप सपोज काम जा रहे हो घर पे रह ही रह रहे हो वो सब ना करके कभी कभी ऐसा करिए कि कहीं पे दूर कहीं पे ट्रिप पे जाइए कहीं पे आप घूमने जाइए तो आप खुद जाइए या फैमिली के साथ जाइए किसी के साथ भी जाइए आप आप जाइए आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको हील फील होगा अब ज़्यादा इस जो फेमिलइन एनर्जी है तब फेमिलन एनर्जी का क्या होता है ज़्यादा घर में ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती है तो ज़्यादा आप अगर बाहर जाओगे तब क्या होता है आपका मस्कुलैन एनर्जी भी बैलेंस होने लगते हैं मस्कुलैन एनर्जी क्या है मस्कुलैन तो एनर्जी ज़्यादा इतना ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं अगर सोचते भी है उसको डाइवर्ट करना भी मस्कुलैन एनर्जी को अच्छे से आता है इसीलिए वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग या बैठे नहीं रहते हैं तो वैसे ही एक फेमिनाइन को मस्कुलन बैलेंस करने के लिए खुद के ऊपर काम करने के लिए ऐसा कुछ आइडियाज़ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे खुद के माइंड को वो खुद डाइवर्ट कर सके सो so, आप कहीं पे भी ट्रिप पे जाइए हिल स्टेशन हो या कहीं पे भी जाइए जहाँ पे आपको फ्री फील हो सके खुद को आप जान सके खुद को एक नई सिचुएशन पे देख सके ऐसा जगह पे जाइए जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो ऐसा सिचुएशन पे आप खुद को देखें जहाँ पे आप कभी नहीं किया है कभी नहीं फेस किया है ऐसा न्यू न्यू थिंग्स आप ट्राई कीजिए तब देखना आपको कैसा फील होगा आपको बहुत ही अच्छा फील होगा अगर कुछ करने से आपका वोट नहीं कर रही है सब नया नया चीज़ ट्राई कीजिए जिस पर आप उसके बिहाग में आपको पता है कि कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आपको सुकून मिलेगा आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहोगे क्योंकि आप जब भी कुछ नया चीज़ करने लगोगे या कहीं पे भी न्यू जगह पे आप जाओगे तब क्या होता है आपका माइंड उस जगह पे ही टिके होते हैं आप नए नए चीज़ें देखने लगते हो तब क्या होता है आपको जो माइंड पे जो आ रहा है ओवरथिंकिंग कर रहे हो गिलती सेम कौन क्या सोचेगा ये सब सोच रहे हो वो सब आना बंद हो चुका होगा और आप उस छोटे से ट्रिप पे ही आप बहुत ही ज़्यादा हिल फील करोगे और जब घर पे आओगे तब देखना आपको कितना अच्छा लगेगा मैंने ये मेरे जर्नी में किया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सो डेट आप लोगों को भी थोड़ा सा हिल मिल सके सेकेंड है आप ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से जुड़े रहें क्योंकि फ़ेमिनिन एनर्जी के जो नीचे का थ्री चक्रास है रुच चक्रा सेक्रेल चक्रा और सोलर प्लेक्सी चक्रा वो तीन चक्रास इम्बेलेंस रहते हैं ज़्यादा फ्यर एनर्जी में रहते हैं ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती है गिल्टी में रहती है शेम में रहती है इंडियन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे के थ्री चक्रास पे काम करना पड़ता है इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से जुड़िए आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आप आपके फ्लोर पर बैठ के करिए आपको तभी हिल फील होगा आप आपके खुद के फ्लोर को टच कीजिए महसूस कीजिए कि आपके एनर्जी के जितने भी नेगेटिविटी है वो सब आपके बॉडी से रिलीज होके जा रहे हैं और आप बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं जहाँ पे भी जा रहे हैं जो भी कर रहे हैं सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं ऐसा कीजिए देखना आपको थोड़ी देर बाद बहुत ही रिलैक्स फील होगा मेडिटेशन पे अगर आप बैठ के ये भी फील करने लगे हुए कि आप एक फ्लोर पे हो या मिट्टी के ऊपर बैठ रहे हो आपकी एनर्जी रिलैक्स है अच्छे से काम कर रहे हैं आप बहुत ही सुकून से बैठ रहे हैं तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा हील एंड हाई वाइब्रेशन फील होगा थर्ड आप कभी भी किसी भी कारण आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आपके माइंड आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप नहीं कुछ ऐसा काम पास में हो या प्रेजेंट में हो या कुछ भी ऐसा काम आपने कर दिया है जिसको आप आपके ब्रेन आपको शेम फील करवा रहा है गिल्टी फील करवा रहा है दैट मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे है गिल्टी एंड शेम और मैक्स के सबसे लो वाइब्रेशन का पार्ट है सो so, आप कभी भी ऐसा मतलब थॉट्स आ रहा है कि आपको गिल्टी फील हो रहा है भी भी आपको आपके ब्रेन को मत कीजिए कि आप गलती में हो शेम में हो अगर पास में कुछ गलती हुआ है तब आप खुद को बोलो या उस जगह पे जाके आप उस सोल को बोलो मेडिटेशन के थ्रू कि आपसे कुछ भी गलती नहीं हुआ है सिचुएशन ऐसा हुआ है कुछ काम ऐसा हुआ है वो उस समय पे या उस प्लेस पे आपको ऐसा करना पड़ा क्योंकि उस टाइम आपको वो नॉलेज नहीं था या आप अनअवेयर थे क्योंकि गिल्टी एंड शेम कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा आपको बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे रखेगा अगर गिल्टी और शेम आप फील कर रहे हो तो आप, आप बहुत ही आप अनहिल फील कर रहे हो डेट मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे हो सो so, कभी भी खुद को गिल्टी या शेम में मत रखो कुछ हुआ है आपके टून के साथ कुछ कर दिया है टून को कुछ बोल दिया है टूट ने कुछ किया या खुद को मान रहे हो कि मुझसे गलती हो गया कुछ कभी भी ऐसा मत कीजिए या किसी को भी कुछ बुरा बोल दिया किसी के साथ बुरा किया है कभी भी आप गलती फील मत करो उस जगह पे जाके आप उस आपके सोल को बोलो कि आपसे कुछ गलती नहीं हुआ है उस सिचुएशन पे आपको ऐसा ही करना पड़ा क्योंकि आपको कुछ भी आ नहीं था अगर कुछ गलती हुआ है उसको आप गलती फील ना करके प्रेजेंट पे उसको मतलब सोचने से कुछ भी ठीक नहीं होगा गलती फील करने से कुछ भी नहीं होगा लेकिन आप उस गलती वो कुछ जो आपके साथ आपसे हो चुका है उसको आप चेंज कर सकते हो और अभी आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गलती हो तो आप ऐसा खुद को बोलो कि मेरे से कुछ जो भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है और आगे जाके मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी किया मैं भी ऐसा बोलो कि मैं भी एक इंसान हूँ मैं अन हो के मेरे से कुछ गलती हो हो भी सकता है या मैं अवेयर हूँ इन फ्यूचर सो इन पर्टिकुलर थिंग्स के जो मैंने पास में किया है फ्यूचर में जाके वो मैं गलती नहीं करूँगी सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज़ करवाइए कि मैं खुद को चेंज करवा रही हूँ और मैं अवेयर हूँ तो ऐसा करने से क्या होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा अगर गलती आप करने जाओगे भी आपको अवेयर वार्निंग सबकॉन्शियस माइंड खुद ही दे देगा तो इस प्रेजेंट मोमेंट पे गलती या शेम करने से ज़्यादा है खुद के ऊपर काम करो और बोलो कि जो हो गया हो गया वो मेरा गलती या मेरा भूल नहीं है सिचुएशन ऐसा था कि करना पड़ा कुछ ऐसा थिंग्स जिससे मैं अनोवेर थी और अगर अवेयर भी था तो उस समय वो चीज़ मुझे गलती जैसा नहीं लग रहा था ऐसा बोलिए और खुद को एक बेटर इंसान बनाने के लिए आप खुद को बोलो गलती या शेम पे कभी भी मत रहो आप हमेशा मतलब अनहिल फील करोगे लो वाइब्रेशन पे रहोगे तो ये तीन चीज़ आप खुद के ऊपर काम करो तो आप देखना आप खुद को कुछ अलग ही वाइफ में देखोगे आप खुद को बहुत ही अच्छे जोन पे देखोगे आप बहुत ही पॉजिटिव रहोगे आप बहुत हैप्पी रहोगे आप खुद को प्यार करो उसके साथ साथ लोगों को भी प्यार करो हम सब लोग एक है और सबको प्यार बाँटो सबको प्यार दो उसके आप प्यार दो तो और प्यार दे के एक्सपेक्ट मत करो कि सेम लव आपको वो लोग देगा जिसको आप प्यार दे रहे हो जस्ट दिल से आप सबको प्यार दो और ख़ुद को भी प्यार दो खुद को भी को पॉजिटिव रखो सेल्फ़ लव में रहिए और खुद को हमेशा एक बेटर इंसान की तरह देखिए मिरर पे जब आप देखोगे कि आप एक ब्यूटीफुल सोल हो और खुद को बोलो कि मैं एक दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन को इस मिरर के थ्रू मैं देख रही हूँ खुद को ऐसा बोलो और खुद को हमेशा प्रेस कीजिए तारीफ़ कीजिए लव कीजिए कभी भी खुद को डाउन या गिल्टी फील मत कीजिए कुछ हुआ तो हुआ गिल्टी हो गया और ऐसा भी मत सोचो कि मेरे साथ गलती हो गया कि और फ्यूचर में जाके मेरे से कुछ और मुझे करमा मिलेगा या सब मिलेगा कुछ होगा इस प्रेजेंट मोमेंट पे सोचने से क्या होगा राइट right? प्रेजेंट मोमेंट पे आप होगी कि, कि मैंने गलती किया है मेरे से भी मुझे कर्मा मिलेगा ऐसा मत सूसो जो होगा देखा जाएगा खुद खुद को चेंज करो खुद के ऊपर काम करो और सेल्फ सेल्फ लव में रहो तो यही था मेरा आज का वीडियो दैट आप कैसे खुद को हील कर सकते हो और खुद को हाई पे रख सकते हो और खुद को कैसे सेल्फ लव कर सकते हो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल